तो दोस्तों, सेवानिवृत्त सैनिकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये खबर सारे न्यूज़पेपरों में छपी है और एक सर्विसमैन भाइयों के, निवृत्त फौजी भाइयों के एक फेसबुक ग्रुप में भी इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अब ये नुकसान कैसे उठाना पड़ रहा है और सेवानिवृत्त सैनिकों के दिल का दर्द क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ और आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि सेवानिवृत्त होने पर हम सभी सैनिकों को ग्रेच्युटी के साथ कम्यूटेशन पेंशन की राशि भी मिलती है। पहले जब बैंक में एफडी का ब्याज दर 12-15% के बीच था, उसके आधार पर इसकी गणना हुई थी। उस समय यह राशि हमें 14 वर्षों तक प्रतिमाह किस्तों में वापस जमा करानी होती थी, लेकिन अब जबकि बैंक की एफडी का ब्याज दर 5-6% रह गया है, तब भी हम लोगों से वह राशि 14 सालों तक ही वसूल की जा रही है, जो आज के समय को देखते हुए बहुत अधिक है और पूर्व सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि यह अवधि 14 साल से घटाकर 8 वर्ष तक की जा सकती है। और आगे की लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखी है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन के कीमती समय देकर और अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करके इस पेंशन के हकदार बनते हैं, जबकि जो लोग 5 साल के लिए समाज सेवा के लिए आते हैं और गलत कार्य करके तथा पकड़े जाते हैं, फिर भी हमारी सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, पेंशन भी 2-3-4 लेते हैं। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है। सैनिकों का कहना है कि हमें एक पेंशन मिलती है, उसमें भी हमें ही दबाया हुआ है। पहले पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ था, वह भी सुविधा हम लोगों से समाप्त कर दी गई है। सैनिकों को पेंशन मिलती है, उस पर भी टैक्स लिया जाता है, तथा बैंक की एफडी दर कम होने पर भी पुरानी दर से पेंशन का पैसा काटा जा रहा है। हमारी सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिए। तो दोस्तों, एक बहुत ही उचित और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस समाचार के द्वारा कही गई है कि जो हम कम्यूटेशन लेते हैं, उसका ब्याज दर हमें बहुत ज़्यादा भारी चुकाना पड़ रहा है। ये गणना तब हुई थी जब बैंक की एफडी के ब्याज दर 14%, 12%, 15% थे, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है, तो इसको सरकार ने चेंज करना चाहिए। जब हम मेहनत की रोटी कमाकर, खून पसीने की जान की बाजी लगाकर ये पेंशन को प्राप्त करते हैं, उसी जगह पर एक कटाक्ष भी इस समाचार में किया गया कि जो नेता है हमारे देश के, जो बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी करते हैं, घोटाले करते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से उनको 2-3-4 पेंशन्स मिलती है और कई सारी सुविधाएं मिलती है। ये बात 100% शुद्ध है कि फौजी भाइयों का शोषण हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि कभी ना कभी सरकार की नींद खुले और हम फौजी भाइयों के लिए कुछ उचित कदम उठाए जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।